नमस्कार दोस्तों, ऑल हिंदी आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने फोन पे से किसी भी मोबाइल नंबर पर डबल रिचार्ज कर लिया है और आप चाहते हैं कि जो मैंने सेकंड वाला रिचार्ज किया वो पेमेंट मुझे रिफंड मिल जाए, तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। दोस्तों, इसमें एक भी स्टेप मिस नहीं करनी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने जिस नंबर पर रिचार्ज किया, या आप एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल या आप जियो का सिम, किसी का भी ऑपरेटर का सिम आप यूज करते हो, आपको अपना पैसा रिफंड कैसे लेना है वही मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको लाइव रिचार्ज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक नंबर सर्च करता हूँ, उस पर मैं डबल रिचार्ज कर लेता हूँ। यहाँ से ये वाला मैं नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया। बता दूं कि इस नंबर पे मैंने पहले से रिचार्ज, जो मेरा प्लान पहले से एक्टिव है, प्लान है, इसी के ऊपर मैं दोबारा रिचार्ज करूंगा और उसे रिफंड कैसे लेना वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ 199 वाला और रिचार्ज के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा रिचार्ज कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, मेरा रिचार्ज फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है और अब मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। और अब आप सबसे पहले हम बात करते हैं जियो की। अगर आपके पास जियो की सिम है तो वहाँ से आपको कैसे क्या रिफंड मिलेगा और कैसे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम जियो के ऐप को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे थ्री डॉट मिलेगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको माई प्लान्स में जाना है। जैसे ही आप माई प्लान्स में जाओगे और आपको यहाँ पे जो आपका वर्तमान का जो प्लान चल रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा एक्टिवेट 199 रुपये का, अभी मैंने जस्ट रिचार्ज किया है और 1.5 GB पर डे के हिसाब से, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिवेट। तो दोस्तों, जियो में ये होता है कि जैसे ही आपका जो ये प्लान चल रहा है वो प्लान खत्म होगा, उसके बाद में आपको जियो ऐप ओपन करके यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और जो आपने डबल रिचार्ज हुआ है वो अगले 2 महीने के लिए, जो भी आपने 28 दिन का किया तो 28 दिन, 56 दिन या 84 डेज का, अगले दिन के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और इस रिचार्ज का आप यूज कर सकते हैं। तो आपका जो डबल रिचार्ज किया है वो पैसा आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल की। तो इन कंपनीज के अंदर इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। जैसे हम रिचार्ज करते हैं तो पहले वाला रिचार्ज काउंट नहीं होकर आप जो नया रिचार्ज करते हैं सेकंड वाला, तो उसी दिन से वापस काउंट होता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपने फोन पे अकाउंट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद में आपको जो रिचार्ज किया है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोन पे सपोर्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस होगा और यहाँ पे आपको रिचार्ज रॉन्ग नंबर के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फोन पे कस्टमर टेक तक पहुंच जाएगी। उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि उसके बाद में आपको सेकंड काम करना है, जिस एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या जिसमें भी आपने रिचार्ज किया 198 पे आपको कॉल करना है और कस्टमर केयर को ये बताना है कि आप जो हमने रिचार्ज किया वो डबल हो चुका है, तो प्लीज़ हमारा जो रिचार्ज रिफंड कर दीजिए। अगर रिफंड नहीं होता है तो आप अगले महीनों के लिए इसे एक्टिवेट कर दीजिए। तो इस प्रकार आप इन कंपनी से भी, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल से भी आप रिफंड ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।